हाय, आगे शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। आप इसे किसी भी डायमेंशन से देखें, यह आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज आपकी प्रिपरेशन में हाईली प्रोडक्टिव साबित होगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इसके अंदर जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो UPSC स्टैंडर्ड के होते हैं, प्लस उन्हीं टॉपिक्स और इश्यूज से फ्रेम किए जाते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे फ़ायदा यह होता है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तो होती ही है, साथ में टॉपिक्स भी लर्न और रिवाइज किए जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोनस फीचर, अगर आपको अपनी कॉपीज इवेल्युएट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप अपनी आंसर्स को इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। एज ऑफ नाउ इट्स कम्प्लीटली फ्री। वी होप यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस द एक्सटर्नल बोरिंग ऑप्शंस बीइंग अवेल्ड बाय इंडिया टू ओवरकम द COVID-19 क्राइसिस। वर्ड लिमिट है इसकी 250 वर्ड्स। तो फिर किसी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? हम एक बहुत बेसिक अप्रोच का यूज़ करेंगे जो सभी के लिए सुइटेबल हो, बिगनर से लेकर एक्सपीरियंस्ड पर्सन तक। हमारी बेसिक अप्रोच कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन का कंटेक्स्ट ढूंढना चाहिए। कंटेक्स्ट क्या होता है कि वो ब्रॉड टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। अब इस क्वेश्चन को पढ़कर हमें पता चलता है एक्सटर्नल बोरिंग ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, और वो भी स्पेशली उस बोरिंग ऑप्शन के बारे में जो अभी रिसेंटली इंडिया ने यूज़ किया। सभी को पता होना चाहिए कि अभी इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से $1.5 बिलियन का लोन अवेल किया है। अभी हमें ब्रॉडली पता चल गया कि हमें किस टॉपिक के बारे में आंसर लिखना है, लेकिन इस तरह तो हम इस एक्सटर्नल बोरिंग ऑप्शन के बारे में तमाम चीज़ें लिख सकते हैं। इसलिए कंटेक्स्ट के अंदर दूसरी चीज़ आती है, वो है कीवर्ड। कीवर्ड मतलब डायरेक्टिव वर्ड जो हमें इस टॉपिक के अंदर भी डायरेक्शन देते हैं कि किस दिशा के अंदर हमें उस टॉपिक के बारे में लिखना है, सोचना है। इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ किया हुआ डायरेक्टिव वर्ड है डिस्कस। डिस्कस का मतलब होता है कि हमें हमारे पास जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है टॉपिक के बारे में, उसको 3-4 डायमेंशंस अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट उसको हमें वहाँ पे डिटेलिंग करनी होती है। डिस्कस रिलेटिवली दूसरे कीवर्ड से ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि हमें कोई क्रिटिकली एनालाइज या एग्जामिन नहीं करना होता, कुछ ज़्यादा डिटेल्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं निकालने होते। अब एक बार कंटेक्स्ट को समझ लिया तो अब हम दूसरे स्टेप पर आते हैं, और वो दूसरा स्टेप है कंटेंट। कंटेंट का मतलब हुआ क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझने के बाद जो भी हमारे पास इससे रिलेटेड थॉट्स, इंफॉर्मेशन, सोर्स, फैक्ट्स, डेटा, कुछ भी हमारे दिमाग में आ रहा है तो उसे हम रफ पॉइंट में लिख देंगे या अपने माइंड में ही इकट्ठा करेंगे। इस पॉइंट पे कैंडिडेट्स को थोड़ी दिक्कत आती है, वो स्पेशली वो कैंडिडेट्स जो अभी शुरुआत ही कर रहे होते हैं, उनके पास कंटेंट इतना अच्छे लेवल का नहीं होता है, तो इसलिए वो इंटरनेट या अपनी मैगजीन्स या अपने नोट्स, उधर से डेटा इकट्ठा करते हैं, जो कि बहुत ही नेचुरल और बिल्कुल सही अप्रोच है। शुरुआती तौर पे इस तरीके की चीज़ें होना बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से हमारे माइंड में अपने आप ही गूगल की तरह इन्फॉर्मेशन इकट्ठे होने लग जाती है, हमारी मसल मेमोरी बनने लग जाती है, फिर हमें इतनी दिक्कत नहीं आती है कंटेंट से रिलेटेड। इसलिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस पॉइंट पर आपको सोचना चाहिए कि इस टॉपिक के बारे में कौन कौन से रफ पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। मे बी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो लोन है काफ़ी तरीके से हेल्प कर सकता है इंडिया को, COVID-19 की बात हो रही है तो स्पेशली इस पेंडेमिक को डील करने में काफ़ी मदद हो सकती है, इकोनॉमिकली भी ये हमारे काफ़ी सेक्टर्स के अंदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को बूस्ट कर सकता है। आंसर को क्रिएटिव और अच्छा बनाने के लिए हम कुछ योजना वगैरह भी सोचेंगे, जैसे कि MGNREGA या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। लेकिन आंसर को होलिस्टिक बनाने के लिए हम लोन के सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे ही नहीं दिखाएंगे, हम इसके अंदर उसकी प्रॉब्लम भी गिना देंगे और फिर लास्ट में उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशन भी दे देंगे, एक वे फॉरवर्ड में दे देंगे। तो इस तरह आपने सेकंड स्टेप में कंटेंट को गैदर किया और उसे सोचा कि हम किस फॉर्मेट में आंसर दे सकते हैं। अब देखिए, आपके इस पॉइंट पे दो स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। आपने कंटेक्स्ट समझ लिया है क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्वेश्चन के अंदर किस टॉपिक के बारे में सोचना है। दूसरा, आपने कंटेंट सोच लिया कि आपके पास जो भी पॉइंट्स आए हैं वो आपने अपनी रफ कॉपी अपने माइंड में रफली गैदर कर लिए।
अब फाइनली लास्ट बात आती है स्ट्रक्चरिंग की। स्ट्रक्चरिंग के अंदर हम देखेंगे कोई भी आंसर हो उसके अंदर तीन बेसिक कंपोनेंट तो होते हैं, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। ये तीनों किस तरह से लिखने होते हैं ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता रहता है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर्टिकुलर आंसर के इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस तरीके से लिखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस पॉइंट पर आपके पास स्ट्रक्चरिंग की भी बेसिक नॉलेज आ गई। इस पॉइंट पर आपको यह वीडियो पॉज करना चाहिए और खुद इस आंसर को लिखना चाहिए। देखिए, इस वीडियो का फायदा तभी निकल पाएगा अगर आप आंसर लिखेंगे। इसमें नुकसान भी कुछ नहीं है, उल्टा फायदा इतना है कि टॉपिक भी खेल खेल में रिवाइज हो जाएगा। आपने अगर चार लाइनें भी लिखी तो इसमें आपकी ही जीत है। आज चार लिखेंगे कल 8 लिख पाएंगे और इस तरीके से आपकी प्रोग्रेस जल्दी जल्दी होती जाएगी और आप मुकाम पर पहुंचेंगे। इसलिए पॉज दिस वीडियो एंड राइट योरसेल्फ। आई होप आपने अपना आंसर लिखा होगा। लेट्स सी इसका आंसर कैसा दिखता है और इस मॉडल आंसर से आप अपना आंसर भी इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर आपको इवेल्युएशन में किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप अपनी आंसर को इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com एंड देन यू विल गेट योर कॉपी इवेल्युएटेड। तो फिर आंसर के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड था, इसीलिए इस आंसर के इंट्रोडक्शन के अंदर भी इस इवेंट का ही बैकग्राउंड हम दे सकते हैं कि एग्जामिनर को पता चले कि हमें पता है किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। तो हमने काफ़ी ब्रीफली बता दिया कि इंडिया ने अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1.5 बिलियन यूएसडी का लोन एक्सेप्ट कर लिया है, जिससे कि जो पीएम केयर्स फंड है उसके अंदर यह पैसा डाला जा सके। बहुत ही टू द पॉइंट और टारगेट बेस्ड यह इंट्रोडक्शन। इसके अंदर आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, कई कीवर्ड्स यूज कर लिए गए हैं जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, पीएम केयर्स फंड, और इन्हीं कीवर्ड्स को एग्जामिनर ढूंढता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे आंसर की एक डिसेंट स्टार्टिंग हो चुकी। अब हम बॉडी की शुरुआत करेंगे और बॉडी के अंदर भी पहले रेलेवेंट पॉइंट्स देंगे जो भी क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद भले ही हम फॉलो पॉइंट्स दें, लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन की डिमांड है उसी को ही एड्रेस किया जाए। तो यहाँ पे हमने बताया कि जो एक्सटर्नल बोरिंग ऑप्शन है उसकी वजह से कई डायमेंशंस में फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे हॉस्पिटल्स है उनको बनाने में काम आ सकता है। दूसरा, जो रैपिड टेस्टिंग किट्स है उनको और ज़्यादा खरीदने में और फिर ज़्यादा टेस्टिंग में काम आ सकता है। हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके इंश्योरेंस स्कीम्स के अंदर भी डाला जा सकता है। दूसरा डायमेंशन में हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक इंसेंटिव हम दे सकते हैं इस पैसे से। जो छोटे सेक्टर्स हैं जैसे MSME, उनके अंदर हम फंड डाल सकते हैं और उनकी मदद हो सकती है। हमारे जो गरीब लोग हैं उनके अंदर सोशल सिक्योरिटी नेट बना सकते हैं। इंडिया के अंदर वैसे भी बहुत सारे बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, तो उनको बचाने के लिए इस फंड का यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने NBFCs का क्राइसिस देखा था, म्यूचुअल फंड क्राइसिस देखते हैं। तो इकोनॉमिक डायमेंशन से भी यह फंड काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करिएगा कि इस आंसर के हमने कई डायमेंशंस में आंसर को लिखा है। यह इस तरह के व्यू पॉइंट देता है कि सारे डायमेंशंस कवर हो चुके हैं। आगे हम अपने सोशल सिक्योरिटी वाले डायमेंशन की बात करें तो इसके अंदर माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिन्हें अभी कितनी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी है उनके लिए भी यह हेल्पफुल रहेगा। रूरल लोग जो मनरेगा के अंदर काम करते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। कई इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनको स्टार्ट और इम्प्लीमेंट करने में भी यह हेल्पफुल रह सकता है, जैसे कि हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आंसर को होलिस्टिक बनाने के लिए, पूरी कवरेज के लिए यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स भी थोड़ा गिना देंगे कि एक्सटर्नल बोरोइंग ऑप्शन के अंदर क्या दिक्कतें हैं। पहला, हम बता सकते हैं कि लोन तो लोन है, उसे चुकाना तो पड़ेगा ही, तो एक तरह से हमारे देश के ऊपर कर्जा ही है। दूसरा, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके अंदर इंडिया का जो शेयर है वो काफ़ी कम है दूसरी एशियन कंट्रीज़ के मुकाबले, जैसे कि जापान और चाइना। तो अगर ऐसी बैंक्स और ऐसे इंस्टीट्यूशन के नीचे इंडिया अपनी कमजोरी देगा तो ये देश इंडिया को दबा सकते हैं। तो इस तरह से हमने आंसर को होलिस्टिक तरीके से कवर कर लिया। लिखने को तो और भी लिखा जा सकता है बॉडी के अंदर, लेकिन टाइम की कमी होती है और पेपर पे भी तीन ही पेज दिए जाते हैं 250 वर्ड्स के आंसर के लिए। सो वी विल बेटर रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ्स टू द बेसिक्स। फाइनली कंक्लूजन यहाँ पे
उससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम वे फॉरवर्ड दे दें। वे फॉरवर्ड में आप बता सकते हैं कि हमें अपनी बोरिंग जिस इंस्टीट्यूशन से लेते हैं वहाँ से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल UNDP, वर्ल्ड बैंक, AIIB, ब्रिक्स बैंक, इधर से भी ले सकते हैं और अपनी लोन लेने की जो डिपेंडेंसी है उसे रिड्यूस कर सकते हैं। और प्रायोरिटी उन इंस्टीट्यूशन को दी जाए जहाँ पे इंडिया का हायर इक्विटेबल शेयर है, जिससे कि जो डिसीजन लेने की पावर हो वो इंडिया के पास भी रहे। इसके अलावा जो बेटर यूटिलाइज करने के लिए फंड को, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अकॉर्डिंग किया जाए और एक डेडिकेटेड सार्क बैंक या बिम्स्टेक बैंक का भी एक प्रोविजन रिकमेंडेशन दिया जाए, जिससे कि इंडिया अपनी डोमिनेंट पोजीशन इन ग्रुपिंग्स के अंदर यूटिलाइज कर सके। फाइनली कंक्लूड करते हुए हम लिखेंगे, इंडिया ने बहुत ही प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए COVID-19 को डील किया है, लेकिन ये फंड लेकर इनका अच्छा यूटिलाइजेशन हो सके, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, तो उसके लिए क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और एक तरह का वर्क ऑडिट करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमारा आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। यह आंसर ऑन एन एवरेज 2-2.5 पेजेस के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक जो चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक प्रॉपर हेडिंग और सब हेडिंग बनाकर ही लिखा जाए, जिससे कि आंसर के अंदर विजिबिलिटी बढ़े। पॉइंट वाइज लिखा जाए, कीवर्ड्स के अंदर अंडरलाइन किया जाए, जिससे कि एग्जामिनर को आंसर के अंदर जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वो ढूंढना चाहता है वो उसे मिल सके बहुत ही आसानी से। यही डिफरेंस एक टॉपर की कॉपी में भी दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस टॉपर की आप सैम्पल कॉपी देख सकते हैं। और यही नहीं, जो भी टॉप रैंक होल्डर्स होते हैं वो इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।